हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो हियर इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, द प्रपोजल बाय एंटोन चेकोव। इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट अ रशियन वेडिंग एंड द प्रपोजल। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? कि इस प्ले में किस टाइप का प्रपोजल बोला गया है, क्योंकि प्रपोजल के कई सारे मीनिंग होते हैं। कैन यू गेस मी एंड कॉमेंट मी? ओके, लेट्स स्टार्ट। अ रशियन वेडिंग। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में जानते हैं? इस आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि एक रशियन वेडिंग का है। प्रिपेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड अ रिसेप्शन। रशियन वेडिंग की प्रिपेशन। रशियन वेडिंग बहुत ही सिंपल होती हैं। जो प्लानिंग होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिंग्स अरेंज करना, ब्राइड की ड्रेस, कार और फिर एक रिसेप्शन। अर्लियर पहले द ब्राइड इज सॉरी ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ अ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर। पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि जो ब्राइड की फैमिली होती थी वो रिसेप्शन के लिए पेमेंट करती थी। मतलब कि जैसे आजकल क्या होता है कि लड़के वाले जो होते हैं उनके यहाँ पर मुंह दिखाई की जो रस्म होती है उसको एक बड़ी सेरेमनी बना दिया जाता है जो कि रिसेप्शन होता है, एक वेलकम सेरेमनी हो जाती है, और उसके लिए जो पेमेंट होता था वो लड़की वाले करते थे। लेकिन आज के समय में ब्राइड्स और ग्रूम्स की जो फैमिलीज हैं वो यूजुअली शेयर कर लेती हैं, जो भी एक्सपेंस आता है उसको वो बांट लेते हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 डेज। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। एक रशियन वेडिंग जो होती है वो 2 दिन तक चलती है। कुछ वेडिंग्स जो हैं वो लगभग 1 वीक तक चलती हैं, एंड जो ओकेजन है वो समथिंग ऐसा हो जाता है, ऐसा बन जाता है कि जिसको बरसों तक याद रखा जा सके। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। जो वेडिंग सेरेमनी का नेसेसरी पार्ट होता है वो एक वेडिंग प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन मीन्स ऐसे जुलूस निकलता है जिसमें कि बहुत सारी कार्स होती हैं, सेवरल कार्स होती हैं। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। जो ग्रूम और ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वेडिंग से पहले वो पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। और जब ग्रूम आ जाता है, जब दूल्हा आ जाता है ब्राइड को, दुल्हन को लेने के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, तो उसे उसको लेने के लिए लड़ना पड़ता है। मीन्स ऐसे ही, मतलब ये खुशी वाली लड़ाई है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। यूजुअली जो रशियंस होते हैं वो टॉल बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स में रहते हैं और दूल्हे को क्लाइंब चढ़ना पड़ता है बहुत सारी स्टेयर्स, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं टू रीच हिज ब्राइड, अपनी दुल्हन तक पहुँचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन इसके साथ साथ हर एक एट ईच लैंडिंग, हर एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद उसको सवालों के जवाब भी देने होते हैं। हर एक सीढ़ी पर उसको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका उसे आंसर देना होता है, तभी वो ऊपर चढ़ पाता है। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ब्राइड की जो, दुल्हन की जो फ्रेंड्स होते हैं वो उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, कभी कभी कुछ मुश्किल पहेलियाँ पूछ लेते हैं, कभी कभी दुल्हन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो ग्रूम है वो अपने फ्रेंड की हेल्प से उन क्वेश्चंस का आंसर देता है।
For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one is bride is. For example, कैसे कैसे questions पूछते हैं, वो कुछ baby girls की photos दिखाई जाती हैं उसको और उससे पूछा जाता है कि इनमें से दुल्हन कौन सी है, मीन्स उसके बचपन की फ़ोटोज़ जो हैं दिखाई जाती हैं और उससे पूछा जाता है. इफ़ ही गैसेज रोंग, अगर वो रोंग गैस करता है मतलब आंसर गलत देता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसको आगे बढ़ने के लिए पे करना पड़ता है, कैश देना पड़ता है. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स. तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो गेस्ट्स को छोड़कर सिटी साइट्स के लिए मीन्स घूमने के लिए चले जाते हैं. आफ्टर टू और थ्री आवर्स ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, दो तीन घंटे तक घूमने के बाद वो लोग रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं. द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट्स. जो कपल होता है वो स्पेशली एक अरेंज टेबल पर बैठता है जहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और इनवाइटेड गेस्ट्स होते हैं. सॉरी, द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल. जो रिसेप्शन होता है वो कपल को टोस्ट करते हुए स्टार्ट किया जाता है. अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट्स. तो एक वेडिंग टोस्ट क्या होता है, इट्स अ कस्टम, एक रिवाज होता है जहाँ पर जो ग्रूम और जो ब्राइड हैं उनके क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव जो हैं वो कपल को विशिंग करते हुए कुछ शब्द बोलते हैं, फिर एवरीवन अपना वाइन का ग्लास उठाते हैं, फिर उसको पीते हैं सेम मोमेंट्स में. द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, फिर ग्रूम को ब्राइड को किस करने के लिए बोला जाता है. आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, ऐसे कुछ फ्यू टोस्ट के बाद पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, लोग जो हैं वो अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं एंड जनरली हैव फन और बहुत ही इंजॉय करते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द ब्राइड गेट स्टोलन, जो दुल्हन होती है वो चुरा ली जाती है. शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है. एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, और जब दूल्हा उसको ढूंढता है तो उसको ढूंढने के बदले में फ़ी पे करनी होती है. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, यूजुअली वो उसके फ्रेंड्स होते हैं जो दुल्हन को चुरा लेते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, फिर दुल्हन के फ्रेंड्स होते हैं, दे स्टील द ब्राइड शूज, वो दूल्हे के जूते चुरा लेते हैं. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, अब दूल्हे को यहाँ पर भी अपने शूज़ के बदले पे करना पड़ता है. द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज ट्यूसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और इस तरह से जो मेहमान होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अपनी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं. सो स्टूडेंट, ये एक रशियन वेडिंग है जिसमें इस तरह से वहाँ पर शादियाँ होती हैं, शादी में ये सेरेमनीज होती हैं. तो कैन यू टेल मी वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Russian and Indian wedding ceremonies? This is your homework. You have to tell me the difference between wedding ceremonies in Russian and Indian. Okay, students. I hope it's clear to you. Please comment me in the comment section. Thank you so much.